सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में घिरे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने उनके देश में आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाले वीजा की अवधि घटा दी है। पहले पाकिस्तानी नागरिकों को जो 5 साल का वीजा मिलता था, अब उसकी अवधि घटाकर 12 महीने कर दी गई है। एक पाकिस्तानी अखबार के अनुसार पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी राजदूत ने इस बात की सूचना सरकार को दे दी है। खबर के अनुसार नए नियमों में पाकिस्तानी पत्रकार और मीडिया पर्सन के लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि उनको मिलने वाले वीजा की अवधि 3 महीने कर दी गई है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने वीजा की अवधि घटाने के साथ साथ वीजा के लिए दी जाने वाली फीस भी बढ़ा दी है। यानी अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक अमेरिका जाना चाहता है तो एक बार में 12 महीने से ज्यादा वहां नहीं रह सकता। अगर उसे अधिक समय तक वहां रहना हुआ तो उसे वापस पाकिस्तान आना होगा और वीजा को रिन्यू करवाना होगा। नए आदेश के अनुसार वर्क वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, ट्रांसफर वीजा, धार्मिक वीजा के लिए फीस में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए जो भी वीजा अभी है उसमें $32 से $38 तक की बढ़ोतरी की गई है। यानी अब अगर कोई पाकिस्तानी पत्रकार अमेरिका जाना चाहता है तो उन्हें वीजा अप्लाई के लिए $192 देने होंगे, जबकि कुछ अन्य कैटेगरी में $198 की फीस हुई है। अमेरिका के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में करीब 38,000 पाकिस्तानियों को यूएस का वीजा देने से इनकार किया गया था। गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी झटके लगे हैं। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद पर रोक लगा चुका है। इसके अलावा कई बार आतंकी संगठनों पर कार्यवाही करने के लिए भी लताड़ लग चुकी है। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।